नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दुर्गा बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर माँ दुर्गा के पंडालों और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई है बांग्लादेश में, और ये बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। और ये मामला इतना बढ़ चुका है कि वहाँ के बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको पब्लिकली आकर स्टेटमेंट देना पड़ा इस पर। साथ ही साथ भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, और भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं, एक जमाने में एक ही थे बंगाल, अब भारत में पश्चिम बंगाल है, वहां पे भी इसको लेकर सारी बातें हो रही है। और पश्चिम बंगाल के नेता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है, एक तरह से पत्र भी लिखे गए हैं। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाता, मैं आपको ये बताता हूं कि पश्चिम जो बांग्लादेश है वहां पे बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की गई, माँ दुर्गा के प्रतिमाओं को तोड़ा गया। और ये घटनाएं देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, बांग्लादेश में हर एक बार दुर्गा पूजा में ऐसा ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे हुई। कुछ जगह हो जाए, होता है, हालांकि कहीं भी नहीं होना चाहिए, होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये बड़े पैमाने पे हुआ। और ये जो बड़े पैमाने पे हुआ, बांग्लादेश का जिला चटगांव के कामिला में, और ये यहां पे आखिर ये चीजें स्टार्ट क्यों हुई। देखिए, बीते कुछ समय से धार्मिक कट्टरपंथी, जो तरह से कहिए कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं एक तरह से, उन पे अपने जो भी सारी चीजें कर सकते हैं, तशद्दुद अगर उर्दू में बोलिए तो, है ना, वो कर रहे हैं। और मैं अभी भी बोलता हूं कि सभी लोगों को अपने धर्म मानने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी और भी धर्म से क्यों ना अपना ताल्लुक रखता हो। लेकिन पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा बंगाल में फेमस है, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो एक जमाने में ये बंगाल इसी का पार्ट था। तो जो हिंदू बच गए वो अपने धार्मिक रीति रिवाज वहां भी मनाते हैं, और ये सारी चीजें हुई। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने आके ये बोला, जो शेख हसीना है वहां की प्रधानमंत्री, उन्होंने पब्लिकली आके बोला कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको पनिश किया जाएगा। वहां पे उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे हमारे यहाँ CRPF होता, CISF होता, CRP होता, है ना, सॉरी CRP बोल दिया, CRPF, BSF, तो उनके यहाँ जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है। अब जाके कुछ हद तक कंट्रोल में आई, लेकिन बीते 12 तारीख, कहा जा रहा है कि 11-12 तारीख से यह स्टार्ट हो गया था, और तब से अब तक चला आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाना चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार स्टेटमेंट देती है, क्या उसको फॉलो किया गया, क्या वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई। देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम में तो खराबी है, बांग्लादेश फ्रेंडली कंट्री है भारत का, और ये दुख की बात है कि जिस कंट्री को आजाद कराने में भारत ने अपना सर्वोच्च नछावर किया, और जी हाँ, अगर बांग्लादेश आज इस तरह से खड़ा है, बांग्लादेश आर्थिक तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है, तो फिर इसमें बहुत बड़ा योगदान इंडिया का भी है, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपने सर्वस्व निछावर किए। फिर भी उस कंट्री से इस तरह का इमेजेस आना, ये शोभा नहीं देता है। इससे होता क्या है, आप कहिएगा कि, है ना, इससे होता ये है कि वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटीज में, सच्चाई है। साथ ही साथ एक जमाने में आजादी के समय कहा जाता, आजादी के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 28% थी, 28% की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे इन हिंदुओं का पॉपुलेशन गिरता गया, और गिर के पॉपुलेशन इतना कम हो गया कि अब यहाँ 8% के करीब हिंदू बचे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब जब जनगणना हो तो इनकी घटकी आबादी 5% के करीब हो जाएगी, है ना। और बहुत सारे अनुमान भी हैं कि बांग्लादेश में आने वाले 50 सालों में 30 सालों में हिंदू खत्म हो जाएंगे, ये सारी सिचुएशंस हैं बांग्लादेश में। और साथ ही साथ बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये अफवाह फैला दिए झूठ का, है ना, कि होली जो एक तरह से कहिए पवित्र कुरान है, मुस्लिम फेथ को जो मानते हैं, तो उसका अपमान किया गया, या कहिए कि होली कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसके बाद ये सारी हिंसा भड़क उठी। खैर, जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री ने बोला है
वो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग यही आशा करते हैं। जय हिंद, है ना, कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हो एक्शंस ले और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको पनिश किया जाए। अब मैं लाइव जाके बोल देता हूँ।